हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य अकेडमी वंस अगेन। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपना 100 डेज के चैलेंज को हम कंप्लीट करने की ओर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो आज इसी सीरीज में हमारा ये 100 डेज की जो हमारी सीरीज है उसी का आज हमारा डे 3rd है। ओके, हम अभी तक सक्सेसफुली 2 दिन कर चुके हैं। ओके, और हम इसी तरीके से आगे भी अपने 100 डेज के चैलेंज को कम्प्लीट करेंगे। ओके, ये जो आपका कॉमर्स का क्रैश कोर्स चल रहा है फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के लिए, जो ये हमारा सीरीज चल रहा है, ये यूट्यूब पे आपका बिल्कुल फ्री है। अभी तक हमने 2 क्लासेस की हैं जिसमें हमने अपने यूनिट 1 का जो बेसिक बेसिक पार्ट है, दैट इज योर बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस का जो बेसिक पार्ट है उसको कवर कर लिया है, जिसमें कि हमने देखा कि बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है, कितने टाइप के एनवायरनमेंट्स होते हैं, उसको स्कैन कैसे करते हैं। ओके, फिर हमने नेक्स्ट क्लास में हमने देखा था कि इकोनॉमिक कंडीशन क्या होती है, इकोनॉमिक कंडीशन के फैक्टर्स क्या हैं। फैक्टर्स के बाद हमने देखा था कि इकोनॉमिक सिस्टम अर्थव्यवस्थाएं कितनी तरीके की होती हैं और उनके क्या फीचर्स होते हैं, क्या गुण होते हैं उसके। साथ ही साथ हमने एक दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी किए, हमने देखा कि कैसे डायरेक्टली उन्हीं टॉपिक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके। ओके, ये 100 डेज के चैलेंज में हम क्या है, अपना 10 यूनिट्स जो है हमारा सिलेबस का उसको हम कंप्लीट करेंगे। ओके, थोड़ा एफर्ट हम लगाएंगे और थोड़ा सा डेडिकेशन आप दिखाएंगे, सो दैट आपका जो ये नेट जेआरएफ का जो सपना है ये पूरा हो सके, है ना, आप इजीली उसको क्रैक कर सके। चलिए, साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट हमारे साथ आज फर्स्ट टाइम कनेक्ट हो रहे हैं, जो पहले से कंटिन्यू कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, पर जो फर्स्ट टाइम आए हैं ना, वो अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं, देखिए एक दिन में आधे घंटे निकालना रिवीजन के लिए और प्रिपरेशन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर अभी से, वो कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भरता है, तो अगर आप आधे आधे घंटे या पौने एक घंटे अगर निकाल लेते हैं रिवीजन के लिए, है ना, ये टाइम आपका एवी पास हो जाता है। बट अगर आप ये आधे घंटे हमारे साथ डेडिकेशन के साथ जुड़ते हैं और जो होमवर्क्स वगैरह हम देंगे उसको कंप्लीट करते हैं, डेफिनेटली आप क्रैक कर लेंगे। ओके, तो जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम आया है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करेंगे और हमसे कनेक्ट हो जाएंगे, सो दैट अगर आपकी क्लासेस जब लाइव होती है तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए, है ना। साथ ही साथ अगर कोई डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड किया जाता है, एमसीक्यूज वगैरह अपलोड किए जाती हैं ऐप पे, तो आप वहाँ से उसको इजिली अटेम्प्ट कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो वहाँ से, ठीक। अब एक और बात, इम्पॉर्टेंट बात, कि जिस भी स्टूडेंट को थॉरली स्टडी करना है पूरा अपना सिलेबस नेट का, ठीक है, नेट जेआरएफ का अगर सिलेबस पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 अगर थॉरली अगर स्टडी करना है, तो वो हमारा कॉमर्स का कॉम्प्रिहेंसिव बैच जो है रन कर रहा है, रिसेंटली अभी लॉन्च ही हुआ है, कुछ ज़्यादा खास इसमें हुआ नहीं है अभी, तो उसको आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अभी 10% का ऑफर चल रहा है, 10% ऑफ आप ले सकते हैं। आपको कोड यूज करना है इस 10% ऑफ के लिए, DEC24 का कोड आपको यूज करना है, ठीक है। इस कोड को यूज करके आप 10% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, MCQs मिलेगा, डाउट सेशन मिलेगा, प्लस हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, इन बोथ द लैंग्वेज, इन हिंदी प्लस इंग्लिश, दोनों लैंग्वेजेस में आपको क्या है, क्लास PDFs मिलेंगे, ठीक है, और MCQs वगैरह भी बोथ लैंग्वेजेस में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। चलिए, ये सारा आपका कोर्स का ओवरव्यू था, अब हम आते हैं अपनी क्लास पे, ठीक है। ओवरव्यू मैंने बता दिया है कि अभी 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 तक हमने क्या क्या चीज़ें कर चुकी हैं। वी हैव कंप्लीटेड दिस पार्ट, ओके, योर इकोनॉमिक सिस्टम, अर्थव्यवस्था वाला हमने सारा पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया है। फिर हमने इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में थोड़ा बहुत ओवरव्यू ले चुका है, जो कि आप प्रीवियस क्लासेस में देख सकते हैं। हमने क्लास 2 हमने स्टॉप की थी इन्फ्लेशन पे, हम इन्फ्लेशन पे रुके थे, वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इन्फ्लेशन के बारे में हमने देख लिया था कि कौन कौन सी कंडीशन अगर हमारी इकोनॉमी में है, कौन कौन सी स्थितियां अगर हमारी अर्थव्यवस्था में है, तो हम ये मान लेंगे कि महंगाई महंगाई है हमारी इकोनॉमी में, ठीक है। जैसे कि आपका जो मनी है उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाए, जनरल प्राइजेस जो है वो हाई हो जाए, ठीक है, मनी की वैल्यू कम हो जाए, तो ये सारी चीजें और भी बहुत से फैक्टर्स थे जो हमने डिस्कस किए, दोबारा से उसको डिस्कस नहीं करते हैं। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि हमने 2 टाइप का इन्फ्लेशन पहले ही देख चुका है, डिमांड डिमांड पुल एंड योर कॉस्ट पुश, 2 टाइप की इन्फ्लेशन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि इन्फ्लेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेट, ठीक है, इन्फ्लेशन महंगाई ऑन द
दर के आधार पे, ठीक है, यानी कि इन्फ्लेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेट। रेट के बेसिस पे हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन कितने टाइप के होते हैं। ओके, तो ये कितने टाइप के होते हैं आपके, 5 तरीके के होते हैं आपके, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रेट आपके इन्फ्लेशन कितने तरीके के हैं, 5 तरीके के। कौन कौन सा? सबसे फर्स्ट है क्रीपिंग, यानी कि रेंगता हुआ इन्फ्लेशन, जिसमें रेट कितना रहता है आपके इन्फ्लेशन का, ये रहता है 2 से 3% के बीच में। ठीक है, ये हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ही स्टेबल माना जाता है, सिक्योर माना जाता है, इसको हम खराब नहीं मानते। ठीक है, इतना अगर हो रहा है तो बहुत सही बात है। देन हमारा इसके बाद आता है आपका वॉकिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग इन्फ्लेशन में रेट क्या रहती है आपकी, 3 से 6% की रेट रहती है। महंगाई दर 3 से 6% का रहता है। इसके बाद रनिंग इन्फ्लेशन, रनिंग इन्फ्लेशन में रेट क्या रहती है आपकी, 6 से 9% की। बस इतना याद कर लेंगे किसमें कितना परसेंट रहता है और कौन सा ज़्यादा अच्छा है और कौन सा बहुत ज़्यादा खराब है, ये इतनी चीज़ें हम इसमें याद रखेंगे। हमको बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना हम याद रख लेंगे। ओके, कितने टाइप के होते हैं, किसमें कितना परसेंटेज रेट होता है, किसमें कितना परसेंट इन्फ्लेशन होता है, ये जान लेंगे कौन सा बहुत अच्छा है और कौन सा बहुत खराब, बस इतनी बात है। ठीक है, हमको बहुत ज़्यादा इस पर थीसिस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, अभी नहीं लिखना। ओके, ये सारा बात का पार्ट है, बाद में हम थीसिस लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा क्रीपिंग, वॉकिंग, रनिंग। इसके बाद आता है आपका गैलपिंग। गैलपिंग में क्या है, इन्फ्लेशन जो है आपका डबल डिजिट हो जाता है, ठीक है, 10% और अबव। नेक्स्ट आपका क्या आता है गैलपिंग के बाद, एक लास्ट कंडीशन आती है, इट इज हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन में जो आपका रेट होता है वो 100% हो जाता है, 2 गुना। मतलब आज प्राइजेस अगर 4 रुपए थी तो कल 8 रुपए हो गए, 100%, 200%। ठीक है, मतलब ये 100 के मल्टीपल्स में ये आपका इन्फ्लेशन भागने लगता है, यहाँ से कोई कम बैक नहीं है। अगर किसी इकोनॉमी में ये सिचुएशन आ गई, हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ गई, तो कम बैक इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है, वापस आना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब देखिए, ये हमने इन्फ्लेशन की बात कर ली, अब इस इन्फ्लेशन से अब हम आते हैं अपने इकोनॉमिक पॉलिसी। इकोनॉमिक पॉलिसीज मतलब हमारी कंट्री में कैसी पॉलिसी चलती है किसी भी बिजनेस को लेके, मनी को लेके, है ना। बिजनेस इज ऑल अबाउट मनी, तो मनी से रिलेटेड जो है हमारी इकोनॉमी में कौन कौन सी पॉलिसीज हैं इकोनॉमी से रिलेटेड। इकोनॉमी क्या है, मोर और लेस क्या है, पैसों का ही खेल है सारा, है ना, अर्थ, सब अर्थ ही है, अर्थ है, माया है। ओके, तो इकोनॉमिक कुछ पॉलिसीज हैं हमारी, ठीक है। जैसे अभी इन्फ्लेशन की बात चली है, तो इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, महंगाई से ही रिलेटेड है हमारा मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी या क्रेडिट पॉलिसी। ये लेके कौन आता है भाई साहब, मॉनेटरी पॉलिसी लेके कौन हमारी इकोनॉमी में आता है, ये लाता है हमारा आरबीआई, द पापा बैंक, है ना। ये हमारे पापा बैंक है, अपेक्स बैंक है हमारी कंट्री के, सभी बैंकों के पापा जी, है ना। तो चलिए, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई लेके आती है। मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जिससे क्या है, हम हमारी इकोनॉमी में जो सप्लाई ऑफ मनी है ना, हम नहीं मतलब गवर्नमेंट या आरबीआई, जो आरबीआई है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, किसका बैंक है, ये गवर्नमेंट का बैंक है। तो मतलब आरबीआई जो भी बैंकिंग एक्टिविटीज करता है वो किसके लिए करता है, हमारी गवर्नमेंट के लिए करता है। और हमारी पूरी इकोनॉमी में जितना भी बैंकिंग सिस्टम है सबका ये होल एंड सोल है, ठीक है। तो हमने एवी नॉर्मल बोलचाल की भाषा में इनको पापा बोल दिया, मतलब कहने का मतलब क्या है कि ही मतलब इट इज अ रेगुलेटरी बॉडी, सारे बैंक्स को, सारे मनी को यही रेगुलेट करता है। तो ये मॉनेटरी पॉलिसीज लेके आता है आपका किस लिए, सो दैट ये सप्लाई ऑफ मनी को क्या है, कंट्रोल कर सके, ठीक है। सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करने का मतलब कि अगर मार्केट में ज्यादा मनी आ गई है, मार्केट में अगर पैसे ज्यादा आ गए हैं, मनी ज्यादा आ गई है, तो अब क्या है, जैसे बोलते हैं ना कि एक एक कहावत है कि अधिक अति का भला ना बोलना, अति की भली ना छू, है ना। मतलब अति किसी भी चीज की डेंजरस होती है ना। तो अगर मनी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा आ गया है तो ये क्या होता है कि अगर एक्सेस मनी आ गया है तो भी खराब है, या बहुत कम है तो भी खराब है। तो जब मनी का सप्लाई हमारी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा हो जाता है ना, तो आरबीआई क्या करती है,
उस मनी को वापस लेने की कोशिश करती है, ठीक है। क्योंकि अगर लोगों के हाथ में मनी मार्केट में ज्यादा है, यानी मार्केट में कौन है, हम पीपल, मतलब कि हमारे हाथों में पैसे ज्यादा आ गए हैं, ओके। तो अगर हमारे हाथों में पैसे ज्यादा आ गए तो हम उसको मनमाने तरीके से खर्च करेंगे, है ना। हमारा मन है अब कि हम मर्सिडीज में ही चले, है ना, हम 5 स्टार होटल्स में ही खाना खाएं, हम महंगे महंगे प्लॉट्स खरीदें, ठीक। तो क्या है, पैसे जब हमारे पास आते हैं तो हमारी इच्छाएं बढ़ जाती हैं, हम फिजूल खर्ची करना स्टार्ट कर देते हैं, ओके। इससे क्या होगा, जब हमारे हाथ में पैसे रहेंगे तो हम चीज़ों की डिमांड ज़्यादा करेंगे, बट रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, प्रोडक्शन तो लिमिटेड ही होगा ना, लैंड हमारे पास लिमिटेड है, रॉ मटेरियल्स हमारे पास लिमिटेड है, सब लिमिटेड है। और अगर अर्थव्यवस्था में पैसे ज़्यादा हैं, लोगों के पास पैसे ज़्यादा, तो डिमांड ज़्यादा करना स्टार्ट कर देंगे, ओके। तो गवर्नमेंट क्या करती है, अगर एक लिमिट से ज़्यादा पैसे आ गए मार्केट में तो वो क्या करती है, पैसे को वापस लेती है। अब इसके लिए आरबीआई क्या करेगी, अभी वापस कैसे लेगी, तो वो लेके आएगी मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसीज में अब क्या करेगी, वो बैंकों से कहेगी कि भाई आप जो लोगों को पैसे दे रहे हो, है ना, जो आप लोन पे पैसे दे रहे हो या किसी भी तरीके से जो पैसे दे रहे हो, मेन मेन सोर्स उनका लोन देने का ही होता है, तो आप जो लोगों को पैसे दे रहे हो ना, आप क्या करो, रेट्स भगा दो, रेट्स हाई कर दो, सो दैट कि उनको इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा, तो वो क्या करेंगे, लोन लेंगे ही नहीं आपसे, ओके। या फिर टैक्सेशन बढ़ा दो, ओके। ये थोड़ा हो गया फिजिकल का पार्ट, बट वो ऐसे टूल्स, इसमें मॉनिटरी पॉलिसी में बेसिकली वो रेट्स बढ़ाते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप के आपके रेट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया, लैंडिंग रेट हो गया, फिर आपका लैंडिंग रेट हो गया, प्राइम रेट हो गया, ठीक है, एक बहुत सारे रेट्स हैं, ठीक है। इन सबको क्या कहेगी, कहेगी कि आप क्या है, इन रेट्स को हाई कर दो, ऐसा एडजस्टमेंट करो कि लोगों को अगर वो आपसे पैसे लेने आए, लोन लेने आए, तो क्या है, उनको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़े, और वो उस इंटरेस्ट, ज्यादा इंटरेस्ट को ना पे करने के चक्कर में क्या करें, लोन ना ले, उनके हाथ में पैसे ना जाए, सारा पैसा वापस खींच लो, जिन्होंने ले भी रखा है लोन तो वो आपको वापस कर दे, क्योंकि उनको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करती है, वो पुल बैक कर लेती है। अब इसी के साथ आपका एक होमवर्क, ठीक है, ये मैंने तो आपको फ्रेमवर्क बना के दे दिया है कि ये चीजें पढ़नी है, मैं इसमें बहुत सारी चीजें कवर भी करा दूंगी ना, बट इतना पॉसिबल नहीं है कि यहाँ से ही मैं सारा आपको करवा पाऊँ। तो आप क्या करेंगे, आपका ये होमवर्क है कि ये जो आरबीआई जो मॉनिटरी पॉलिसी में जो रेट्स को इंक्रीज करती है ना, तो जितने भी टाइप के रेट्स हैं, होमवर्क में आप करेंगे कि जितने भी टाइप के रेट्स हैं वो होते क्या है, वो सारा आप याद करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने कहा सीआरआर, तो सीआरआर का आप फुल फॉर्म, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो इसका वैसे फुल फॉर्म है, आप इसका फुल फॉर्म अभी कितना है, ठीक है, ये बाई मंथली 2 बार ये रिवाइज होता है ना, 2 बार रिवाइज होगा, आप ये दोनों बार का जब आप एग्जाम देने जाएंगे ना, उस मंथ का और उससे उस मंथ में 2 बार जो आएंगे, अगर एग्जाम के पहले आपका जो भी आया है उसको आप अपडेट करके जाएंगे। एक तो आप ये काम करेंगे, कहीं भी अपनी कॉपी पे जहां आप नोट्स बना रहे हैं वहां पे एक पेज पे आप ये सारे रेट्स लिख लेंगे, सारे क्या 4 मेन होते हैं, वो 4 मेन आपको ना बाय बाय मंथली आते हैं, तो आप उनको अपडेट करते चलेंगे। फिर दूसरा काम आप करेंगे कि आपको आरबीआई के गवर्नर का नाम याद रखना है, ठीक है, मतलब जो ये इसके लिए जो भी, मतलब जो भी लोग इस रेट को फिक्स करते हैं ना, उसका आप नाम लिखेंगे, जो अथॉरिटीज, इंपॉर्टेंट अथॉरिटीज है उनका नाम लिखेंगे, और रेट कौन सा क्या चल रहा है और किस रेट का क्या मतलब होता है, इतना आज जाके आप करेंगे, इट इज योर होमवर्क, ठीक है, हो गया। तो मॉनिटरी पॉलिसी का सिंपल सिंपल मतलब क्या है कि जो फ्लो ऑफ मनी है ना, उसको कंट्रोल करना, ठीक, अगर मनी बहुत ज्यादा हो गई है तो उसको पुल बैक करना, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दीजिए और मनी को पुल बैक कर लीजिए, और अगर कम हो गया है तो क्या कीजिए, लिबरल पॉलिसी ले आइए, लोगों को सस्ते दरों पे आप लोन प्रोवाइड करवा दीजिए, ओके, सॉरी, सस्ते दरों पे आप लोन प्रोवाइड करवा दीजिए, सो दैट मनी का सप्लाई मार्केट में इंक्रीज हो जाए, ओके। ये था आपका मॉनेटरी पॉलिसी और क्रेडिट पॉलिसी, ओके। देन हम आते हैं अपने फिजिकल पॉलिसी पे, या इसी को हम बजटरी पॉलिसी कहते हैं। फिजिकल पॉलिसी या बजटरी पॉलिसी क्या होती है, ये आपकी ऐसी पॉलिसी है जिसे गवर्नमेंट क्या करती है आपका, कि वो अपने एक्सपेंडिचर्स को और इनकम्स को
एक बजट के फॉर्म में मतलब एक्सपेंडिचर और इनकम का एलोकेशन करती है। ठीक है, अब देखिए फिजिकल पॉलिसी आपकी क्या है कि गवर्नमेंट के जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं, जितने भी इनकम्स हैं, ठीक है, उसका एलोकेशन करती है। ओके, जैसे कि इसी को हम बजटरी बजटरी पॉलिसी भी कहते हैं। मतलब जैसे हम बजट करते हैं ना कि हमारे जितने भी इनकम्स हैं, हमारे मतलब गवर्नमेंट के जितने भी इनकम और एक्सपेंडिचर हैं, उसको एलोकेट करना, मतलब कहाँ से कहाँ कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ कहाँ उसको हम खर्च करेंगे, उससे रिलेटेड जो पॉलिसीज होती है ना, उसको हम फिजिकल पॉलिसी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ज्यादातर हमारी कंट्री में जो फिजिकल पॉलिसी होती है ना, वो क्या होती है, घाटे की बनती है। ठीक है, डेफिसिट हमेशा बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो है वो सोशलिस्ट इकोनॉमी है और हम क्या करते हैं, ज्यादा सोशल वर्क पे ध्यान देते हैं। ओके, तो इसमें हम बात है किस किस चीज पे करते हैं, जैसे कि हम अपने इनकम का एलोकेशन कैसे करेंगे, है ना, जो इनकम हुई है गवर्नमेंट का उसका एलोकेशन कैसे करेंगे, कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र पे इसको एलोकेट करेंगे, कितना एजुकेशन में लगाएंगे, कितना अनएम्प्लॉयमेंट में लगाएंगे, कितना प्रोडक्शन के लिए हम रखेंगे, ये सारी चीजें। ये कौन फ्रेम करता है इस बजट को? गवर्नमेंट इसको बजट करती है। आपका मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी जो है वो दोनों कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड होती है ना। मतलब कि ये भी क्या करती है कि अगर जैसे कि मान लीजिए अगर डेफिसिट का हमारा ज्यादा डेफिसिट का बजट बना है ना, मतलब हमारी इकोनॉमी ने अगर बहुत ज्यादा डेफिसिट, अगर एक्सेस एक्सेसिव डेफिसिट का अगर हमारा बजट बना है, हमने बहुत ज्यादा घाटा लिया है, मतलब क्या कि हमने बहुत ज्यादा घाटा लिया, मतलब क्या कि गवर्नमेंट के पास इनकम बहुत कम थी बट उसने लोगों लोगों पे खर्चा ज्यादा कर दिया है ना, इनकम कम थी और खर्चा ज्यादा कर दिया है, तो इससे क्या हुआ, डेफिसिट की हमारी बजट हो गई, घाटे का बजट बन गया, हमारा घाटे का पॉलिसी बना है, मतलब हमने लोगों को पैसे ज्यादा दे दिया है। तो अब क्या है, अगर लोगों के पास ज्यादा पैसे आ गए तो फिर वही बात कि अब क्या है, मॉनिटरी पॉलिसी से हम क्या करेंगे, जो जो रेट है, रेट जो है उसको इंक्रीज कर दो, है ना, मतलब कंट्रोल कीजिए, हमने लोगों को पैसे ज्यादा दे दिया है, तो फिजिकल पॉलिसी अब आप क्या कीजिए, इसको कंट्रोल कीजिए। ओके, वही अगर लो डेफिसिट का हमारा बजट बन गया है, ठीक है, जहाँ पे हमारा घाटा कम दिखाया है हमने, मतलब हमारा इनकम ज्यादा है और एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने कम किया है, लोगों को कम पैसे दिए हैं, तो क्या करेंगे, लिबरल पॉलिसी अब यूज करेंगे। जो मॉनिटरी पॉलिसी होगी अब वो लिबरल होगी, मतलब लोगों के लिए इजी रहेगी, है ना, मतलब इंटरेस्ट रेट्स घटा दिए जाएंगे, लोगों को मनी उनके हाथ में दे दी जाएगी। ठीक है, दैट इज योर फिजिकल बजट, देन सॉरी, हाँ, फिजिकल या बजट बजटरी पॉलिसी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये रिलेटेड है आपका गवर्नमेंट के टैक्सेशन पॉलिसीज से, गवर्नमेंट की इनकम से, अनएम्प्लॉयमेंट से, ये सारी जो चीजें हैं उनसे रिलेटेड है। ओके, डेफिसिट का हमेशा फिजिकल बजट बनता है क्योंकि हम एक सोशलिस्ट इकोनॉमी है, हम हमेशा घाटा सहते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी इनकम से ज्यादा लोगों की भलाई पे ध्यान देते हैं, है ना, जैसे कि हमारी इनकम अगर 5 रुपए है और उस 5 रुपए में हमें अपना घर भी चलाना है, अपना सरकार भी चलाना है और लोगों की भलाई भी करनी है ना, लेकिन पैसे हमें मिल रहे हैं कम, तो क्या है, हमेशा हम घाटे में ही रहेंगे। तो हमेशा हमारा बजट जो है वो हमेशा फिजिकल पॉलिसी जो बनती है वो घाटे की ही बनती है, बट वो बहुत ज्यादा घाटे की अगर होगी तो मॉनिटरी पॉलिसी से उसे हम कंट्रोल करेंगे, और अगर कम घाटे की बनेगी तो हम क्या करेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी को लिबरल कर देंगे, रेट्स को रिड्यूस कर देंगे। अब चलिए हम आते हैं अपने थर्ड थर्ड पॉइंट पे, दैट इज आर इंटरनेशनल इंटरनेशनल या फॉरेन ट्रेड या फिर एग्जिम पॉलिसी। ठीक है, मतलब बेसिकली ये रिलेटेड क्या है कि जब हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ या इंटरनेशनल लेवल पे जब हम ट्रेड करेंगे, है ना, तो हमारी पॉलिसी क्या होगी, इसी को हम एग्जिम पॉलिसी कहते हैं। यानी कि इसमें हम डील क्या करेंगे, अगर फॉरेन के साथ हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ट्रेड पॉलिसी, है ना, मतलब कि हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम परचेजिंग एंड सेलिंग कर रहे हैं ऑफ आर गुड्स एंड सर्विसेज, हम अपने वस्तु और सेवाओं का क्या है, एक्सचेंज कर रहे हैं, बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं विदेशों के साथ, हम बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, बाइंग एंड सेलिंग मतलब क्या, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, तो इसको हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं, एग्जिम पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। इसमें देखिए गवर्नमेंट के एफर्ट्स क्या होते हैं कि FDI जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, ठीक
ठीक है। एफडीआई तो वैसे इन्वेस्टमेंट का पार्ट हो गया, जैसे कि फॉरेन की जो कंट्रीज हैं उनको प्रमोट करना कि वो हमारे यहाँ पे आके ट्रेड करें, बिजनेस करें, सो दैट हमारे यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन हो, फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो हो। इन सब चीजों से क्या होगा, हमारी अर्थव्यवस्था क्या है, अच्छी होगी, है ना। तो हम क्या करते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज आए, हमारी कंट्रीज में फॉरेन कंट्री आए, सो दैट कि हमको नई टेक्नोलॉजी मिले, हमारे पास फॉरेन कैपिटल आए, तो क्या करेगी, अगर गवर्नमेंट इस तरीके की सोच रखती है कि वो आए हमारे यहाँ पे कैपिटल, फॉरेन कैपिटल आए, फॉरेन टेक्नोलॉजीज आए, तो हम क्या करेंगे, अपनी एग्जिम पॉलिसी को लिबरल बनाएंगे, है ना। मतलब हम फ्री ट्रेड करवाएंगे, जो हमारे साथ, जो इंटरनेशनल लोग हमारे साथ काम करना चाहते हैं उनके लिए हम क्या करेंगे, अपनी पॉलिसीज को लचीला रखेंगे, है ना, सो दैट उनको ज्यादा डिफिकल्टी ना हो और वो हमारे साथ ट्रेड कर सके। ओके। वहीं अगर हम चाहते हैं कि नहीं, अगर वो हमारी कंट्री में आ गए, अगर फॉरेन फॉरेन की कंपनीज हमारी कंट्री में आ गई, तो क्या है, वो हाई टेक्नोलॉजी लेके आएंगी और हमारे पास हाई टेक्नोलॉजी है नहीं इंडिया में उतनी। तो अगर हम चाहते हैं कि जो, अगर वो लोग आ गए हाई टेक्नोलॉजी के साथ, तो हमारे प्रोड्यूसर्स कहाँ जाएंगे, उनके पास तो उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है नहीं। और लोग हमेशा क्या क्या चाहते हैं, अच्छी चीजें चाहते हैं, तो अगर वो हमारे यहाँ पे आ जाएंगे तो हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है ना, डोमेस्टिक जो हमारा बिजनेस है वो ठप ना पड़ जाए, तो वो क्या करेगा, स्ट्रिक्ट पॉलिसी रखेगा, तो वो आने की परमिशन नहीं देगा, है ना, मतलब वो पॉलिसी को अपनी टाइट कर लेगा। सिंपल है, अगर हम चाहते हैं, गवर्नमेंट चाहती है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, फॉरेन का इन्वेस्टमेंट आए, फॉरेन की कंट्रीज आए, कैपिटल आए, तो हम लिबरल रखेंगे इस पॉलिसी को, लचीला रखेंगे। अगर हम चाहते हैं कि ना आए, है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको टाइटन कर देंगे, यानी कि इसको हम डिफिकल्ट बना देंगे फॉरेन कंट्रीज के लिए। ओके। ये हो गया हमारा ट्रेड या फिर एग्जिम पॉलिसी। देन फोर्थ आता है आपका फॉरेन फॉरेन या इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। जैसे हम देखते हैं ना कि अभी अभी हमने बात की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब कि फॉरेन के जो इन्वेस्टर्स हैं, जिनके पास पैसा ज्यादा है, पूंजीपति हैं, वो चाहते हैं कि हमारी कंट्री में वो अपना कैपिटल जो है, पूंजी जो है, वो इन्वेस्ट करे, हमारे प्रोजेक्ट्स में अपना पैसा लगाए हमारे यहाँ की कंपनीज में वो पैसा लगाए, सो दैट कि हम उनका कैपिटल यूज करके अच्छा बिजनेस कर सके तो हम क्या करेंगे, तो फिर से वही बात है कि अगर हम चाहते हैं तो, जैसे अभी अभी आपने देखा होगा कि बहुत बहुत इशू बना था जब एलआईसी में, आपने एलआईसी में जब प्राइवेटाइजेशन किया था, है ना, तो ये सब मतलब एफडीआईज वगैरह को हमने अलाउ किया था, परसेंटेज बढ़ाया था तो हमारे यहाँ पे लोगों ने बहुत इशू बनाया कि क्या कहते हैं कि आप सारी सारी सरकारी चीजों को आप क्या कर रहे हो, प्राइवेट कर रहे हो, सबको आप बेच डालोगे, है ना। तो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी उस वक्त ऐसी थी कि हम चाहते थे कि फॉरेन का कैपिटल हमारी कंट्री में आए, तो इसलिए हमने क्या किया, हम सारी चीजों को लिबरल कर रहे थे। अगर हमको चाहिए कि बाहर से कैपिटल आए, तो हम लिबरल पॉलिसीज रखेंगे, इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी लिबरल रखेंगे, मतलब हम उनको प्रलोभन देंगे कि आप अगर हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको टैक्स रिबेट मिलेगा, या फिर आपको इस पे इतना इंटरेस्ट मिलेगा, ऐसी ऐसी बातें हम उनको, मतलब पॉलिसीज को हम लिबरल रखते हैं। ओके। एफडीआई हो गया, एफआईआई हो गया, ये जो भी टर्म्स आपको नहीं पता है ना सॉरी यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ ना, इसका जाके मीनिंग देखेंगे, जो भी टर्म्स आपके लिए नए हैं, मतलब जितना मैं पढ़ा दूं यहाँ पे वो आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, घर पे भी आप इनका रिवीजन करेंगे, जो चीजें नहीं आती हैं उसको आज ही के आज कंप्लीट करते जाएंगे। ओके। तभी आपका टाइम पे सिलेबस कंप्लीट होगा, और जैसा कि मैंने फर्स्ट डे कहा था कि थोड़ा सा हमारा एफर्ट और बाकी आपका डेडिकेशन, है ना, मैं आपको गाइडलाइंस यहाँ से दे सकती हूँ, बाकी चीजें आपको ही करनी है ना, ये ध्यान में रख के आप करते जाएंगे। तो ये हो गया हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। एंड फाइनल इज आर इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है कि जैसे कि हमारी कंट्री में जो इंडस्ट्रीज हैं, ठीक ना, गवर्नमेंट कुछ इंडस्ट्रीज को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है और कुछ को वो रेस्ट्रिक्ट करती है। जैसे कि हमारे यहाँ पे ये कुछ कुछ एरियाज जो हैं, कुछ इंडस्ट्रीज जो हैं वो रिजर्व रखी जाती हैं, कुछ इंडस्ट्रीज जो हैं वो रिजर्व रखी जाती हैं गवर्नमेंट के लिए, है ना। जैसे कि आपका रेलवेज जो है, रेलवेज जो है वो आपका गवर्नमेंट के लिए रिजर्व है, अभी थोड़ा बहुत प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट हुआ है। ओके। फिर जैसे आपका रिसर्च वगैरह से रिलेटेड चीजें हैं, ये सारा गवर्नमेंट के पास है, तो कुछ चीजें रिजर्व रहती हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज का मतलब क्या है, ऐसी पॉलिसीज
जिससे गवर्नमेंट क्या है, इंडस्ट्रीज को, जो हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं जो हमारी कंट्री में, उसको या तो प्रमोट करती है. दीज पॉलिसीज, दीज इंडस्ट्रियल पॉलिसीज आर टू प्रमोट एंड रेगुलेट, रेगुलेट टू प्रमोट एंड रेगुलेट द इंडस्ट्रीज. ठीक है, ये ऐसी पॉलिसीज होती हैं जो कि इंडस्ट्रीज को या तो बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए बनाई जाती हैं, या फिर उसको रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए. ठीक है, जैसे कि आपका अल्कोहल का बिजनेस है ना, तो बहुत से स्टेट आप ऐसे देख सकते हैं कि बहुत से स्टेट जो होते हैं वो अपने आप को ड्राई स्टेट डिक्लेयर कर लेते हैं. ड्राई स्टेट डिक्लेयर करने का मतलब क्या, कि हमारे हमारे स्टेट में आप अल्कोहल नहीं देख सकते. अल्कोहल इज ऑल्सो एन इंडस्ट्री, बीवरेज इंडस्ट्री है हमारा. तो इस इंडस्ट्री के लिए गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट, कुछ स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि नहीं, हम इस इंडस्ट्री को हम पनपने नहीं देंगे अपने यहाँ पे, हम इसको प्रमोट नहीं करते अपने यहाँ पे. वहीं पे कुछ इंडस्ट्री, कुछ कुछ एरियाज, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो इसको अलाउ करते हैं. तो ये एक बस ऐसी पॉलिसी है जिससे हम किसी भी इंडस्ट्री को या तो प्रमोट करते हैं या तो फिर उसको रेगुलेट करते हैं. ठीक है, अगर हमको लगता है कि ये हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है तो हम उसको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, उस पर प्रतिबंध लगा देंगे, है ना. और अगर हमको लगता है कि नहीं ये सही है, इससे हमारा हमारे हमारे स्टेट का या हमारी कंट्री का डेवलपमेंट हुआ, तो हम क्या करते हैं, फिर उसको प्रमोट करते हैं, उसको रिबेट्स देंगे. जैसे कि आपने एक सेज सुना होगा, है ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन. स्पेशल इकोनॉमिक जोन जोन क्या होते हैं, जो एक्सपोर्ट को प्रमोट करते हैं, है ना. तो इसी तरीके से इंडस्ट्रियल पॉलिसीज में अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ये इंडस्ट्री हमारी कंट्री के लिए अच्छा है, हमको करना चाहिए, इससे हमारा डेवलपमेंट होगा, तो वो उसको प्रमोट करेगी, अदरवाइज रेस्ट्रिक्ट करेगी. ठीक है, तो ये सारी आपकी पॉलिसीज थे. आपका आज का होमवर्क है कि आप आरबीआई में जितने भी, ये मॉनिटरी पॉलिसी में जितने भी रेट्स आते हैं, है ना, मॉनिटरी पॉलिसी में जितने भी रेट्स आते हैं, सबका एक जगह नाम लिखेंगे. ओके, सबका नाम लिखेंगे, फुल फॉर्म लिखेंगे. इसमें से चार इम्पोर्टेंट होते हैं, वो चार इम्पोर्टेंट भी आप फाइंड आउट करेंगे. आप अभी जाके चेक करेंगे कि पिछला बाय मंथली जो आपका मॉनिटरी पॉलिसी, मतलब जो रेट्स रिव्यू हुई है, बाय मंथली जो रेट रिव्यूज होती है, रेट रिव्यू हुआ है, वो उसमें कौन कौन सी चीजें बढ़ाई गई हैं, कौन कौन सी चीजें घटाई गई हैं, नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे. ओके, कि जो लेटेस्ट, जो अभी अपडेट आया है इन रेट्स पे, वो क्या है. ओके, सारे रेट्स का आप नाम लिखेंगे एक जगह, सबका मीनिंग लिखेंगे. रिसेंट बाय एनुअल, बाय मंथली जो आपका रिपोर्ट आया है, उसमें कौन सी चीज कितनी बढ़ाई गई है, सीआरआर कितना बढ़ाया गया है, एसएलआर कितना बढ़ाया या घटाया गया है, वो कितना परसेंट होना चाहिए. ठीक, ये सारी चीजें, जितनी भी रेट से रिलेटेड चीजें हैं, वो सारी आप एज अ होमवर्क अपनी कॉपी में लिखेंगे और उसको स्टडी करेंगे. ठीक है, याद करना तो नहीं बोलेंगे हम, मतलब उसको समझेंगे और याद, मेमोराइज तो खुद ही हो जाएगा अगर आप एक बार करेंगे तो. एक आपका होमवर्क ये है, और दूसरा ये है कि आप इन्फ्लेशन का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आज जाके, और ये पॉलिसीज को एक बार खुद से आप देखेंगे. ओके, दैट इज योर होमवर्क. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस, हैव अ नाइस डे एंड वंडरफुल.